नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी को अगला देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को बॉर्डर पार भेजना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कोई है तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या वजह है इसकी? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब, प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा निशाने पर हैं आपके, सबसे ज्यादा हमला नरेंद्र मोदी पर करते हैं, कुछ खास वजह? अपने झूठ की लहर में डूब जाएंगे नरेंद्र भाई मोदी, उसका कारण है 342 संकल्प पिछली बार किए थे, मेरे पास सब है, एक की पूर्ति नहीं हुई, हर वायदा अधूरा, झूठ पूरा। इसीलिए मैं नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं कि आने वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि जब देश बर्बाद हो रहा था सिद्धू तमाशा नहीं देख रहा था। बाकी रही बात राहुल जी की, तो वो मेरा स्वप्न है और हर कार्यकर्ता का, कांग्रेस के कार्यकर्ता का एक स्वप्न है कि वो अपने लीडर को चरम सीमा पे देखे, सबसे बड़ी ऊंचाइयों पे, और ये इज्जत उन्होंने कमाई है, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है, विचारधाराओं का टकराव है। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके 5 साल आपने क्या किया, कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से, और इंसान अपनी कर्मों से जाना जाता है, ठीक है। 32 लाख करोड़ इन 5 सालों में भारतवर्ष के सर पे कर्जा चढ़ गया, 50 लाख करोड़ 64 साल में, और 5 साल में 32 लाख करोड़, यानी एक दिन में करीब करीब 6,000 करोड़ की देनदारी थी भारत की एक दिन की, जो आपने करीब 65,000 करोड़ की कर दी। तो कौन सा आपके सुरखाब का पर लग गया, कौन सी आपकी बड़ी अचीवमेंट है? आपने गंगा साफ की बात की, 30,000 करोड़ रुपए लगा दिए, कुछ चुप्पी लगा के देखे गंगा मैया में, पता लगेगा 15 लाख करोड़ रुपए की बात की, वादा खिलाफी की बात कर रहा हूं, और वायदा खिलाफी ये भारतीय संस्कृति में एक आता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन पे विश्वास होता है, विश्वास मिट्टी के बर्तन की तरह होता है, एक बार टूट गया थूक लगा के जोड़ते रहो, 100 बार जोड़ो दरारें दिखती रहेंगी। 15 लाख हर गरीब की जेब में डाल दूंगा, 90 लाख करोड़ बाहर से, विदेशों से, जो बैंकों में है, ये कितना बड़ा मुद्दा था गरीब के लिए, तो ये ऐसा था कि जैसे उसे सारी कायनात मिल गई। लेकिन मोदी तो ये कह रहे हैं कि 5 साल में जो हमने काम किया वो 55 साल में कांग्रेस मुझे ने किया। एक उपलब्धि बता दें, मोदी जी को लगता है कि 2014 के पहले भारत था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी, खोद के निकाला है उन्होंने भारत है? मोदी जी से पूछो जब वो पैदा हुए थे तो भारत का संविधान रच दिया था कि नहीं, स्कूल जाना नहीं सीखे होंगे, अंतरिक्ष में जान चले गए थे, जब वो अपने वो डंडों वाली खेल खेल रहे थे आरएसएस की शाखा में, 3 जंगें जीत गया था भारत, भाखड़ा डैम बन गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई थी, व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई थी, इसरो बन गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया था, स्कूल जाना नहीं सीखे थे, तो IIM IIT ये किसने बनाया, देश को आजादी किसने दी? मैंने सुनो ना, तो उनको ये लगता है कि 3 माला के ऊपर अगर उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया, या वो भी नहीं बनाया, तो नीचे 3 माला थी ही नहीं, बगैर नींव के धर दी उन्होंने। क्या बात करते हैं, मुझे एक उपलब्धि बताएं। नहीं, आपको कुछ एक नजर नहीं आती कोई भी खूबी मोदी में 5 साल में? कोई तो खूबी नजर आती है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो ना, मैं उनसे पूछता हूं क्या उपलब्धि है आपकी कि आपने इस देश के नवजात शिशु के सर के ऊपर 1 साल में 7 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया, आपने सारी सरकारी कंपनियां मार के निजी कंपनी, निजी पूंजीपतियों की जेब में दौलत डाल दी, जितने भी ये बड़े बड़े पूंजीपति थे, अमीर थे, ये 49% दौलत के मालिक थे, मोदी साहब के 5 साल के कार्यकाल में ये 74% दौलत के मालिक बन गए, और देश का 99% आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, उसके पास 24% दौलत, 25% दौलत रहेगी। ये प्रमाण है कि गरीब और अमीर का फासला जैसे घटाना था वो कितना बढ़ गया, as big as the Grand Canyon, chalk and cheese, मुझे ये बताएं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।